छत्तीसगढ़ का छोटा सा शहर चांपा। इसे कोसा, कासा और कंचन की नगरी से जाना जाता है। ये शहर कोसे के कार्य के लिए प्रचलित है। चांपा का कोसा सिल्क पूरी दुनिया में अपनी आरामदायकी और कारीगरी के लिए मशहूर है। कोसा सिल्क चांपा के देवांगन समाज की धरोहर माना जाता है। कोसा का मुख्य स्रोत सिल्कवॉर्म यानी रेशम का कीड़ा है। यह रेशम के कीड़ों के लार्वा से बने ककूनों को इकट्ठा किया जाता है। ये कार्य पूर्ण रूप से जिस जगह पे किया जाता है उस स्थान को कोसाबाड़ी कहा जाता है। ये जो शासकीय कोसा बीज केंद्र महुदाचा है, टोटल 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये राज्य सरकार के अधीन है। इसका मुख्यालय जांजगीर जिले के कुलीकोटा में है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जो भी क्या है टसर केंद्र है, ये यहाँ पे क्या है डाबा कोसा होता है। यहाँ पे एक रैली होता है, वो बस्तर साइड में होता है। और टसर क्या है, ये आउटडोर रीडिंग है। इसमें कोई भी फील्ड में फैला हुआ है, कहुए के पेड़ में होता है ज़्यादातर, ये है ना। कहुआ साजा वगैरह ऑप्शनल है इसका, उसमें भी होता है। कहुए के पेड़ में जैसे हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं टसर रेशम कीट का, तो सबसे पहले क्या करते हैं ग्रेनेज स्टार्ट होता है। ग्रेनेज में क्या कहते हैं, ग्रेनेज में भवन में क्या रहता है, कोई भी टसर कीट का क्या है अंडा का प्रोडक्शन होता है। अब जैसे ही अंडे का प्रोडक्शन हुआ ग्रेनेज हाउस में, उस अंडे को क्या करते रहते, उसके एक निश्चित टाइम रहता है। जिस दिन वो कपलिंग हुआ उसके बाद क्या है 8वें दिन में क्या है उस अंडे का हैचिंग हो जाता है। हैचिंग होना मतलब अंडा फूट जाता है। जैसे ही अंडे हैचिंग हुआ और लार्वा जैसे ही आया उसको क्या करते हैं ब्रशिंग कर देते हैं। मतलब ब्रशिंग करना मतलब पत्ते में हम लोग उसको चढ़ा देते हैं। अब फिर क्या करते हैं वो पत्ते को अपना क्या है खाना स्टार्ट करते हैं छोटा लार्वा। अब जैसे ही छोटा लार्वा पत्ते को खा के अपना स्टेज भी वाइज छोटा खा खा के बड़ा होते जाता है, वैसे ही लार्वे का क्या रहता है 5 अवस्था रहता है और 4 बार मोल्ट बैठता है। ये जैसे फाइनल स्टेज में है, ये फाइनल स्टेज में आने के बाद क्या है 8 से 10 दिन अच्छे से पत्ती खाएगा। उसके बाद क्या है ये अपना क्या स्पिनिंग करना चालू कर देगा, मतलब कोसा बनाने के लिए। फिर क्या है करेंगे बुनकर लोग को या धागा कारक लोग को दे देंगे, और वो क्या है पहले कोसा को स्टाइफन कर लेंगे। कोसा को जो अंदर प्यूपा रहता है गर्म भाप देने से या फिर स्टाइफन करने से मर जाता है, उसके बाद धागा निकाल लेंगे, फिर वो अपना कपड़ा बनाए काम चलेगा। इन ककूनों को पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद इससे रेशम का धागा निकाला जाता है। करीब करीब 4 से 6 ककूनों से धागे की रील तैयार की जाती है। अब शुरू होता है कोसा के धागे से कपड़े बनाने का सफर। सबसे पहले इन धागों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, जिसे कोसा के कपड़ों पर सही तरीके से बुना जाए। इन धागों को हैंडलूम हथकरघे पर लगाकर बुना जाता है। यहाँ बुने हुए कपड़ों को शॉल, साड़ी और अन्य कपड़ों का रूप दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है रंग रंगने की, बुने हुए कपड़ों को अलग अलग खूबसूरत रंगों से संजोने की। रंग के बाद इन कपड़ों को ब्लॉक प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी की मदद से और निखारा जाता है। यहाँ लोग कोसा कपड़ा में छापे जाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग, डिस्चार्ज, फैंसी पिगमेंट सब प्रकार के। हम कोसा कपड़ा के ऊपर फिर रंगाई करते हैं, रंगाई के बाद फिर प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग के बाद स्टीम लगाते हैं, स्टीम लगाए के बाद जला आयरन चलाया देते हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन है,
इसमें एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। हमारे पास जो है कोसे साड़ी का प्लेन कपड़ा यहाँ मतलब पार्टियों से आया जाता है, हम उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क लगाते हैं और पार्टियों के साथ मतलब सप्लाई किया जाता है। ये मशीन का मॉनिटर है, इसमें डिज़ाइन डाला जाता है। पहले डिज़ाइन जो है वो पीसी में सॉफ्टवेयर द्वारा डिज़ाइनिंग किया जाता है, फिर उसके बाद इसे पेन ड्राइव से अपलोड करके मशीन में वर्क किया जाता है। एक दिन में लगभग 7 से 8 साड़ी कंप्लीट होता है वर्क का जो है, और उस हिसाब से हफ्ते में जितना भी काम हुआ रहता है वो आगे सप्लाई होता है। प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी के बाद कपड़ों को इस्त्री करके इन्हें व्यापारियों तथा बाजारों में भेज दिया जाता है। मेरा नाम हितेश कुमार देवांगन है। हम पिछले 35 साल से इस काम से जुड़े हुए हैं, माल भी बनवाते हैं और बेचते भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम है हमारा, इसको लोकल लैंग्वेज में कोसा बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इसको टसर सिल्क बोला जाता है। सिल्क पूरे दुनिया में 5 तरह का होता है, उसमें से एक ये भी है कोसा सिल्क। ये जो चीज़ है मेन चांपा में ही बनती है। इस कपड़े को पूजा के लिए विशिष्ट माना जाता है। कोसा कपड़े की मांग में देश विदेश में बढ़ोतरी हुई है। चांपा वासियों का ये मानना है कि कोसा सिर्फ देवांगन समाज की ही नहीं पूरे शहर की धरोहर है और सदा रहेगा।